खराब जीवन शैली और खराब खान पान के कारण पाइल्स की बीमारी विकराल रूप से भारत में फैल रही है, जो कि एक कॉमन बीमारी है। अगर इसका समय से इलाज ना हो तो ये एक गंभीर समस्या पैदा हो जाती है और शरीर को धीरे 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 नाश की ओर ले जाती है। अमूमन 50 साल से ऊपर होने वाली ये बीमारी अब सामान्यतः हर किसी आयु में दिखाई देने लगती है। आप सभी जानते हैं कि पाइल्स की बीमारी से ग्रस्त रोगी बहुत परेशान रहता है और अपनी इस परेशानी को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाता। तरह तरह के इलाज करा चुका होता है और उससे उसको कोई विशेष लाभ नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कमलेश वर्मा। मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ और पाइल्स का विशेषज्ञ भी हूँ। इस नाते आयुर्वेद में पाइल्स की किस प्रकार से चिकित्सा होती है, क्या इसके लक्षण हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पाइल्स एक बहुत आम समस्या है। मित्रों, अगर पाइल्स का इलाज समय से ना हो तो हमको गंभीर गंभीर रोग लगने लगते हैं और इन सब के बारे में मुख्यतः हमारा पाचन संस्थान ही जिम्मेदार है। पाचन संस्थान खराब होने से रोगियों को कब्ज की शिकायत रेगुलर रहती है और कब्ज ही इसका मुख्य कारण है। कब्जियत अगर ना हो तो शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर बना रहता है, लेकिन कब्ज के कारण क्या होता है कि एनल गुहा में, जहाँ से लेट्रिन के रास्ते पे, मोटी सी भाषा में कहें तो वहाँ पर जाने वाला ब्लड इकट्ठा हो जाता है और वही पाइल्स का रूप ले लेता है। जैसा कि आप समझते जानते हैं कि हर बीमारी के लिए कहा गया है रिमूव द काज, कारण को ख़त्म करिए। तो इसका कारण क्या है कि हमारा भोजन का जो खाने का ढंग है, भोजन का जो प्रकार है, वो अच्छा नहीं होता। हम अनसंट भोजन खाते हैं, जंक फूड खाते हैं और नतीजा क्या होता है कि हमारा पेट खराब होने लगता है और जितना मल हमारा शरीर में इकट्ठा होता है वो निकल नहीं पाता और कब्ज की स्थिति बन जाती है। क्यों? क्योंकि भोजन के साथ ही हम बहुत सारा पानी पीने लगते हैं, कोई बताता नहीं है। पानी पीने के कारण जो डाइजेशन थोड़ा बहुत है भी, वो भी डाउन हो जाता है और कब्ज के रूप में मल जो है गुदा द्वार से बाहर नहीं आ पाता और वहाँ पर एक प्रकार का प्रेशर बनने से वहाँ की जो गुदा की स्किन अंदर की होती है, जो तीन वलय में इकट्ठी होती है, वो तीन वलय जो हैं धीरे धीरे पाइल्स के रूप में नीचे आने लगते हैं। इसी को पाइल्स कहते हैं, इसी को बवासीर की बीमारी कहते हैं। पाइल्स को समझने के लिए गुदा रोगों में कुछ और समस्याओं को भी हमको समझना होगा। पाइल्स के साथ ही एक होता है भगंदर, जिसको हम बोलते हैं फिस्टुला। दूसरा होता है फिशर, जो कि हमारी लेट्रिन के कारण, जब हम लेट्रिन कड़ी करते हैं कब्ज के कारण, तो जो गुदा मार्ग है वो छिल जाता है और वहाँ से खून टप 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 करके गिरने लगता है। और इसके साथ में ही जैसे कड़ा मल निकलता है, जो इसका रोगी है वो दर्द से तड़पने लगता है, दर्द बहुत तेज होता है। और इसी प्रकार की समस्या फिस्टुला को भी कहते हैं। फिस्टुला में क्या होता है कि मल के रुकने के कारण गुदा द्वार में, गुदा पूरा रेक्टम में एक प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है और वो एक, जिसे कहते हैं नासूर, नासूर के रूप में दूसरे द्वार से एनस के आसपास खुल करके पस बाहर आने लगता है। इसी को हम फिस्टूला कहते हैं। तो इन तीन प्रकार के गुदा रोगों में, यानी सबसे पहले बवासीर, दूसरा फिस्टूला, तीसरा फिशर, इन सबको कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कब्ज को कंट्रोल रखना। अब आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पाइल्स की। पाइल्स मुख्यतः दो रूप से होते हैं। स्टार्टिंग में इसको इंटरनल पाइल्स कहते हैं, जब कब्ज के द्वारा मल
मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, तो अंदर की जो केशिकाएं हैं, ब्लड वेसल सेल्स, ये वो उसमें ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और वो ब्लड धीरे धीरे ओजिंग करने लगता है और लेट्रिन के साथ बाहर आने लगता है। इसको हम कहते हैं इंटरनल पाइल्स। ये उसका मुख्य लक्षण है कि अगर लेट्रिन के साथ थोड़ा थोड़ा ब्लड बूंद बूंद में गिरने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि इंटरनल पाइल्स की शुरुआत हो चुकी। इसी के साथ में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, और अगर ये इंटरनल पाइल्स बने या ना बने उसके उपरांत भी अगर कब्जियत बनी रहती है तो वही वलय जो हैं वो हमारी गुदा द्वार के आसपास पाइल्स के रूप में भी प्रकट होने लगते हैं। यानी वो उस जगह पर हमारी जो गुदा की स्किन है वो छोटे छोटे मस्सों में दिखाई देने लगती है। इन्हीं मस्सों को एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। दोस्तों, पाइल्स किसी भी उम्र में हो सकता है। आप सभी जानते हैं पाइल्स की समस्या एक कॉमन समस्या है और इसका इलाज है डॉक्टर पाइल्स फ्री। डॉक्टर पाइल्स फ्री एक आयुर्वेदिक दवा है जो कि विभिन्न हर्ब से मिलकर के बनाई गई है। इसके सेवन से आप निश्चित रूप से पाइल्स की प्रॉब्लम से, फिस्टुला की प्रॉब्लम से, फिशर की प्रॉब्लम से अपने आप को निजात पा सकेंगे, और इस दवा के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। डॉक्टर पाइल्स फ्री दवा जो है इसके कुछ ही समय के सेवन से धीरे धीरे पाइल्स और ये गुदा रोग ठीक होने लगते हैं। आपको किसी प्रकार के ऑपरेशन की या अन्य किसी प्रकार के इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर पाइल्स फ्री को अलग अलग प्रकार की ऐसी जड़ी बूटियां इकट्ठा करके बनाया गया है, जिसमें है नाग केशर, आंवला, हरड़, ताम्र भस्म, सुहागा जैसी वस्तुओं से इनका निर्माण किया गया है। इसमें अनेक घटक हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। गुदा रोग मुख्यतः बवासीर, डॉक्टर पाइल्स फ्री दवा खाने से बहुत जल्दी ठीक होने लगती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। डॉक्टर पाइल्स फ्री में तीन प्रकार के घटक हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ऑयल है, एक कैप्सूल है, एक पाउडर है। इसका किस प्रकार सेवन करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें किट के अंदर जो पाउडर दिया गया है उसको सुबह शाम एक एक चम्मच लेना है, जिससे कि आपका कब्जियत दूर होगी और शरीर के अंदर एक स्फूर्ति आपको दिखाई देगी। इसको कुछ दिन एक चम्मच लेने के बाद में केवल रात को एक चम्मच लेना होता है। दूसरी चीज़ इसमें है ऑयल। ऑयल को लेट्रिन जाने से पहले और बाद को थोड़ा थोड़ा गुदा मार्ग पर लगाना आवश्यक है, जो कि आपको इसको गुदा द्वार को सॉफ्ट करेगा और आपको दर्द से निजात दिलाएगा। तीसरी चीज़ है इसमें कैप्सूल। कैप्सूल खाने के से आपको इन गुदा रोगों से छुटकारा मिलेगा। इसमें ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो बहुत जल्दी रिकवरी को प्राप्त होती हैं, रिकवरी को करती हैं। तो कैप्सूल खाने से थोड़ा सा शरीर में स्फूर्ति और ताकत भी आती है। इन तीनों घटकों का आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी डॉक्टर पाइल्स फ्री नाम की इस किट से आप इन रोगों से निजात पा लेंगे। कैप्सूल आपको सिर्फ एक बार लेना है पानी से, किसी भी भोजन के बाद में, दोपहर के भोजन के बाद में, रात के भोजन के बाद में, कभी भी एक बार लेना है सिर्फ। इसी प्रकार पाउडर की भी डोज है जो 3 ग्राम के लगभग रात को सोते समय लेनी है। अगर आपको कब्जियत बहुत ज़्यादा हो तो इस पाउडर को सवेरे के समय भी ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में शरीर की रचना, शरीर के गुण अलग अलग हर व्यक्ति में होते हैं। ईश्वर ने भी सभी व्यक्तियों को अलग अलग बनाया है। इसी प्रकार हर व्यक्ति की प्रकृति और उसके गुण भी अलग अलग हैं। इन दवाओं को, जो डॉक्टर पाइल्स फ्री दवा है, इसी दृष्टिकोण से बनाया गया है कि ये किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं होने देती और रोगों में लाभ करती है। डॉक्टर पाइल्स फ्री को इस्तेमाल करते करते आप साथ में ही अगर कोई एलोपैथिक दवा भी ले रहे हैं तो उसको लेते रहें,
और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही उसको बंद करें।